हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स स्टार्ट करने वाले हैं। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, रियल नंबर्स क्या है? हम जिस नंबर के साथ डील करते हैं, जो भी नंबर हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रैशनल इरैशनल, सभी नंबर हमारा है रियल नंबर्स, जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, 1.2, 7/2, जो भी, -5, ठीक है, माइनस में हो, प्लस में हो, +10, जो भी नंबर्स के साथ हम डील करते हैं, सब रियल नंबर से। सो आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर रियल नंबर्स छोड़ के और क्या नंबर है? वो है इमेजिनरी नंबर, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। वो किस तरह के नंबर होते? इस तरह के, जो रूट के अंदर अगर माइनस में कुछ नंबर है, इस तरह के नंबर होते हैं, ठीक है। सो उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो जो भी नंबर्स के साथ आप डील करते हो, सब रियल नंबर्स है। सो इसके ऊपर आपका ये चैप्टर है। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको और एक चीज आपको क्लियर करना होगा, वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर ही पूरा कंसेप्ट बेस है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा की क्या है? गिव्स पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर अगर आपको दे दे ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 > r < b। कुछ भी समझ में नहीं आया, इसको क्लियर करना है कि कहना क्या चाह रहा है। गिव पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, आपके पास अगर दो पॉजिटिव इंटीजर दे दे, सपोज एक 7 और एक 2, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर आपको दे दिया, मान लो ये ए है और ये बी है, तो कह रहे कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, यहाँ पे दो यूनिक इंटीजर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। यूनिक का मतलब क्या है कि ये जो क्यू आर आर है ये एक ही होगा, मतलब अलग अलग ए और बी के लिए अलग अलग क्यू आर आर नहीं मिलेगा, यूनिक होगा। वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये क्या कंडीशन है? 2, 7 को 2 से डिवाइड करो, 2, 3 = 6, 1 हो गया। तो 7 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 × 3 + r + 1, वही तो होता है 3 × 6 + 1 = 7। इसी तरह से हम लिख सकते हैं। सो वही यहाँ पे कह रहे, देखो a इज इक्वल टू, इसको हमने a माना था, a इज इक्वल टू, ये हमारा b है, ये हमारा q है और ये हमारा r है, तो ये 3 और 1 यूनिक है ना। यहाँ पे क्या और कोई चीज आएगा यहाँ पे इसके साथ? नहीं ना, 3 और 1 ही आएगा। 7 को अगर 2 × करके लिखोगे तो इसीलिए कह रहे कि किसी भी नंबर को इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। क्लियर हो गया? और कुछ भी नहीं है, ये सिंपल चीज है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे ये वाला कंडीशन क्यों दिया है कि जो आर है वो 0 या 0 से ग्रेटर होते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे यह हो सकता है 0, कोई ऐसा नंबर ले लो, सपोज यहाँ पे 2 और 6 ले लिया, तब 2, 3 = 6, तब क्या हो गया? ये 0। तो इसीलिए कह रहे कि आर जो है वो 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा, बी से छोटा होगा। बी दैट मीन्स बी कौन सा वाला है हमारा? ये 2, इससे छोटा होगा ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे जब भी अगर कोई नंबर यहाँ पे 3 आ जाए तो ये फिर से जाएगा ना 2, 1 + 2, जब तक ना छोटा हो तब तक हम डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए कह रहे कि बी का जो वैल्यू है वो आर का जो वैल्यू है वो बी से छोटा होगा, 0 या 0 से ग्रेटर, बी से लेस। क्लियर हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरा? चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। तो आपको ये वाला एल्गोरिदम यूज करके आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करने का ये वाला प्रोसेस, इस तरह से हम जो एचसीएफ करते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन उस तरह से आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपको ये वाला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये सब इरेज कर दो, कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, देखो ये वाला पहले एक बार इरेज कर दो अच्छे से। ये देखो क्वेश्चन है 1, 3, 5 और 2, 2, 5, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, 135,
एंड 225। ठीक है, तो इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है उसको हम ए मान लेते हैं, स्मॉल को बी। ठीक है, 225 ये ग्रेटर है 135 से। ठीक है, सो इसको हम ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे। ठीक है, सो आपको यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम की तरह आपको इसको लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, सो देखिए 225 को आपको किस कैसे लिखना है, 135 से डिवाइड करो लास्ट में 225। बोले किससे जाएगा, देखो सबसे पहले तो 1 से ही। ठीक है, 1 से 135, 0 यहाँ पे 990। ठीक है, और नहीं जाएगा, आर स्मॉल हो गया, आर स्मॉल हो गया। सो 225 को हम क्या लिखेंगे, बी इंटू क्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 90 है। तो यहाँ तब तक करते जाना है जब तक आर का वैल्यू जीरो ना आ जाए, रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब हमें फिर से डिवाइड करना है 90 से 135 को करना है। देखो फिर किससे जाएगा, देखो 92 से 180 दादा हो जाएगा 95, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। ठीक है, सो फिर यहाँ पे हमें लिखना है 135, तो 135 को हमने किस तरह से लिखा, 90 × 1 + 45। ठीक है, तब यहाँ पे हमारा बी है 90, ये क्यू है और ये आर है। अगेन करो जब तक ना रिमाइंडर जीरो है, देखो रिमाइंडर जीरो आ गया 45 × 90। सो 90 को हमने कैसे लिखा, 45 × 2 + 0। सो यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे बी क्या है, ये लास्ट जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तब जो बी, ठीक है, वहां पे जो बी है ये वाला, यही हमारा होता है एचसीएफ, ये हमारा होता है एचसीएफ। सो दैट मीन्स एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर लेस देन, आर इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो फिर एचसीएफ ऑफ किसका, किसका एचसीएफ हमारा 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। क्लियर हुआ, ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से एचसीएफ फाइंड आउट करना। ठीक है, उसी तरह से आपके पास और दो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप खुद ट्राई करोगे करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके पास है 867 एंड आपके पास है 255। ओके, सो यहाँ पे आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपको लगाना है। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहाँ पे आप स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी एक लाइन आप लिख सकते हो कि लेट अस यूज, ठीक है, लेट अस यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड आउट एचसीएफ, टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। ठीक है, ये लाइन आप लिख लेना कि लेट अस यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। अब ये आपको करना है, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर 867 ये हमारा ए हो गया और यह हमारा बी हो गया। सो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, आपको डिवाइड करना है तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, डिवाइड हम टॉप में करते हैं। बोलो किस नंबर से जाएगा, सबसे पहले तो हमारा जाएगा 3 से 3 × 5 = 15 का 5 1 3 × 5 = 15 1 16 1 कैरी 3 × 2 = 6 और 7। अब माइनस करो 2 0 1 1 0 2। ठीक है, छोटा हो गया और नहीं जाएगा। सो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 255 × 3 + 102। अब नेक्स्ट फिर 255 102 से 102 से किससे जाएगा, 2 से 2 × 4 = 0 2 × 2 = 151। सो 255, अब इस बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 102 × 2 +
51, जब तक ना आर जीरो है तब तक आपको करना है, देखो इस स्टेप में आर जीरो आ जाएगा, टू से टू वन जा टू, फाइव टू जा टेन, सो दैट मीन्स 102 को हमने किस तरह से लिखा, 51 इंटू टू प्लस जीरो, सो ये वाला यहाँ पे बी है, ये हमारा हो गया एचसीएफ, सो अचीव करके आंसर लिख देना, क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। ओके, सो देखो किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हर बार बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, सो इस तरह के क्वेश्चन प्रोसेस सेम है। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन आपको अच्छे से उसका प्रोसेस आपको देखना है कि किस तरह से उस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। सो क्या बता दिया कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेट कर लेना है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले लेट कर लेना कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 6। बी को 6 मान लेना, जो क्वेश्चन में दिया होगा 6q+1 या 6q+3 या 3q+1, जो नंबर दिया होगा बी को वो नंबर मान सकते हो। ठीक है, सो बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या होगा, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम इज इक्वल टू bq+r, वेयर आर है हमारा 0 या 0 से ग्रेटर और बी से लेस। यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे बी क्या है 6 है। ठीक है, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, एक मिनट, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5। b से लेस, b 6 है तो 6 से लेस दैट मीन्स 0 से 5 तक कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब हम ईच केस देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r 0 होगा तब a क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू, आर जीरो हो गया बी क्यू, दैट मीन्स सिक्स क्यू। वेन आर इज इक्वल टू 1, देन ए इज इक्वल टू, मतलब वो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 6q हो गया, 6q के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, आर जब 1 होगा 6q+1 तब क्या होगा, 6q+1। वेन आर इज इक्वल टू 2, देन ए इज इक्वल टू 6q+2। When r is equal to 3, then a is equal to 6q+3. When r is equal to 4, then a is equal to 6q+4. और when r is equal to 5, then a is equal to 6q+5. ठीक है, ये 6 फॉर्म आपके पास हुआ आया। तो ये जो a है, a को हमने क्या मान लिया था कि पॉजिटिव इंटीजर। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि a ही और एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम ये 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑड इंटीजर देख लो, यहाँ पे ऑड क्या क्या है, 6q, ये तो इवन है 6q, 6 के साथ जो भी एक क्यू, मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर है 2, 3, 4, जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे वो एक क्या होगा, इवन नंबर ही आएगा, वो एक इवन नंबर आएगा। 6 के साथ कुछ भी नंबर आप मल्टीप्लाई करके देख लो ना, तो वो तो इवन नंबर ही आएगा, जो भी नंबर। तो ऑड कौन कौन सा होगा, जब उसके साथ 1 ऐड कर दोगे, ठीक है, 6 2 जा ये देखो 12 के साथ जब 1 ऐड कर दोगे 13, तो वो ऑड होगा। जब 1 ऐड करोगे तो ये वाला केस है ऑड में, जब 2 ऐड करोगे वो फिर से इवन हो जाएगा, 12 के साथ 2 ऐड करोगे 14 हो जाएगा, फिर से इवन। सो ये वाला केस नहीं होगा, एक तो आपका ये वाला केस है और एक ये वाला केस है। देखो आंसर आ गया, तो वही वाला क्वेश्चन पूछा है, या तो 6q+1 के फॉर्म में, या तो 6q+3 के फॉर्म में, या तो 6q+5 के फॉर्म में हो गया। उसके बाद बस लास्ट लाइन आपको लिख देना है पूरा बुक्स में से कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो लिखा है, वह थेप करके पूरा चीज आपको
लिख देना है। क्लियर हो गया, प्रोसेस क्लियर कर लो। आपको कुछ भी नहीं करना है, ए एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेना है, बी का वैल्यू आपको सही से चूज कर लेना है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम से ये हम लिख सकते हैं। बाकी सो आर का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है वो देख लेना है। उसके बाद आर का एक एक वैल्यू के लिए एक एक बार आपको ये पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, ठीक है। जब कंडीशन जैसा होगा वैसे आपको निकालना है। देखो अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है रीड करो। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मर्ज बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स आर पेड। दो मेंबर्स है 616 632। द टू ग्रुप्स आर टू मर्ज इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मर्ज। मैक्सिमम नंबर, लार्जेस्ट नंबर, इस तरह के जब भी आपके पास वर्ड्स आएगा दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक सेव करना है। आपको ज्यादा यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपके सामने ऐसे मैक्सिमम निकालो, ठीक, या लार्जेस्ट, सो आपको सिंपली एक सेव कर देना है। दैट मीन्स आपको ये निरेस कर दो। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या क्या नंबर है, 616 आपको फाइंड आउट करना है। एच सी एफ ऑफ 616 एंड 32, ठीक है, 32 है ना, यस। सो इसको आप यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है, या खुद ट्राई करोगे। आंसर में आपको बोल रही हूँ आंसर होगा 8। ये खुद ट्राई करके कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताओ कि सही से हुआ या नहीं हुआ। ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4। Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। वहां पे था बस कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ पे दिया कि स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को। देखो प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सेम है, आपको कितना ईजी लगेगा। देखो प्रोसेस यही क्वेश्चन नंबर आपके पास है, थर्ड वाला भी मैं यहां से हटा रही हूँ। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, सो सबसे पहले आपको क्या मान लेना है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू क्या मान लोगे। देखो यहाँ पे थ्री है आंसर में, सो थ्री मान लेना, सिंपल, ठीक है। सो बाय डिविजन, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का कंडीशन लिख दिया। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या हो जाएगा, फिर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या हो जाएगा, या तो जीरो, या तो वन, या तो टू, सिंपल तीन, तीन ही नंबर होगा, ठीक है। सो व्हेन व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, देन ए इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सिंपली बी क्यू, बी क्यू दैट मीन्स थ्री क्यू। लेकिन हमें क्या बताया है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होगा, तो इसको स्क्वायर निकालना है। उसके बाद हम उसका स्क्वायर निकाल के रख देंगे। स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, थ्री थ्री जा नाइन की वह स्क्वायर, ठीक है, एक केस हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास है व्हेन, व्हेन आर इज इक्वल टू वन, देन ए क्या होगा, थ्री क्यू प्लस वन, हमें निकालना है स्क्वायर। स्क्वायर निकालो, थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, नाइन क्यू स्क्वायर, नाइन इस तरह से लिखने के नाइन और क्यू सेम लगेगा, ठीक है। स्क्वायर प्लस टू ए बी दैट मीन्स थ्री टू जो सिक्स क्यू प्लस बी स्क्वायर हो गया। और एक केस क्या है, व्हेन आर इज इक्वल टू टू, व्हेन आर इज इक्वल टू टू, ये केस हो गया। अब व्हेन आर इज इक्वल टू टू तब ए क्या होगा, थ्री क्यू प्लस टू, हमें निकालना है स्क्वायर, क्या होगा इसका होल स्क्वायर कर दो, सेम थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दो, नाइन क्यू स्क्वायर, थ्री टू जो सिक्स, सिक्स टू जो ट्वेल्व क्यू प्लस फोर, ठीक है।
सो यहाँ पे ये वाला फॉर्म आया, यहाँ पे ये वाला फॉर्म आया, यहाँ पे ये वाला फॉर्म आया, ये कोई तो बुक्स के साथ मैच नहीं करे। यहाँ पे दिया है कि 3m और 3m+1, तो इस फॉर्म में हम किस तरह से इसको लेकर आएंगे वही देखना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, 3m तो 3 × 2 करके बाकी चीज लिखो इसके साथ मैच कराने के लिए। 3 9 है तो 3 × 3 = 9 3। यहाँ पे लिखना है 3m, ब्रैकेट में लिखना है ये वाला क्या है, इसको हमने m मान लिया, वेयर वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब स्क्वायर। क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना ये एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सो ये हो गया 3m के फॉर्म में। इसको देखो, इसको 3m नहीं होगा ऑफकोर्स, इसको 3m+1 होगा। देखो किस तरह से, देखो ये फर्स्ट में से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो 3 क्यूब स्क्वायर + यहाँ पे 2 क्यूब + 1, सिंपल। तो इसको 3m+1 लिख दिया ब्रैकेट में, वेयर, ठीक है, वेयर। तो यहाँ पे ये सब में m नहीं लिख के इसमें m1 लिख सकते हो, इसमें m2 लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे वेयर m2 इज इक्वल टू, ये एक पॉजिटिव इंटीजर वो ब्रैकेट में लिख दिया। इसको भी देखो, फर्स्ट में से 3 कॉमन ले लो, 3 × 3 = 9 क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे 3 × 4 = 4 क्यूब। यहाँ पे भी होगा, इसमें भी, इसमें से भी 3 कॉमन जाएगा, नहीं तब आपको एक मिनट, इस पे एक स्टेप आपको करना है, तभी ये इस फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, ये नीचे वाला मैं पोर्शन यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। किस तरह से इस फॉर्म में आएगा, इस 4 को आपको एक बार कैसे लिखना है, देखो 3+1 लिखना है, तभी हम इन तीनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 क्यूब स्क्वायर 4 क्यूब + 1 + 1, तो इस पूरे चीज को हम m3 मान सकते हैं, दैट मीन्स 3 m3+1 ब्रैकेट में लिख देना है। सो देखो ये 3m के फॉर्म में हुआ था फर्स्ट वाला, ये 3m+1, ये 3m+1, दोनों ही 3m+1 के फॉर्म में आ गए। सो जो क्वेश्चन था कि या तो 3m के फॉर्म में हुआ या 3m+1 के फॉर्म में हुआ, ये m2 m3 सभी तो पॉजिटिव इंटीजर है, उसकी जगह हमने m लिख दिया, ठीक है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सो हो गया, तो प्रोसेस समझ में, इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने दे दे आप इस तरह से इसको कर दोगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी इसी तरह है, इसका भी थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। यूज यूक्लिड डिवीजन डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वहां पे था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सो देखो किस तरह सब करोगे, यहाँ भी देखो एक थोड़ा बहुत एक बात आपको मैं बताऊं, तो सबसे पहले जो लिखना है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो आपने लिख लिया। b इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 3 मान लेना, क्यों, यहाँ पे जब 9 लिखोगे, अगर b को 9 लिखोगे, b को 9 लिखोगे, r कितना आपको पता चले, 0 से 1 तक 9 केसेस होगा, सब केस एक एक बार सॉल्व करने जाओगे, एक घंटा तो इसमें ही चला जाएगा, ठीक है। सो हम 9 को, 9 के टेबल में ये 3 आता है, तो दैट मीन्स हम 3 भी मान सकते हैं, उसमें भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, बी को 3 मान लेना, बाकी प्रोसेस सेम है। सो बाकी जो है हमारा, अब आर का पॉजिटिव वैल्यूज क्या हो जाएगा, 0, 1 या 2 हो गया। तो अब 0 के लिए व्हेन आर इज इक्वल टू 0, तब ए क्या होगा, सिंपली 3 क्यूब होगा, ठीक है। जब आर इज इक्वल टू 1 तब होगा ए इज इक्वल टू 3 क्यूब + 1, और व्हेन आर इज इक्वल टू 2 तब ए होगा 3 क्यूब + 2। अब आपको करना क्या है, आपको बताया कि सबका क्यूब करो, आपका सबका क्यूब करना है, ठीक है, 3 क्यूब का क्यूब करो, 3 × 3 = 9 27 क्यूब। आपको किस फॉर्म में दिया है, देखो या तो 9m या तो 9m+1 या तो 9m+8, तो ये किस फॉर्म में हो सकता है, ये 9m के फॉर्म में होगा, 9m2 करके लिखो, ठीक है। सो ये हो गया 9m1, ब्रैकेट में m1 इज इक्वल टू 3 क्यूब सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये 9m के फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट इसको a क्यूब करो, 3 क्यूब + 1 होल क्यूब, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, a³ + 3² b + 3 ab² + b³, ये तो फॉर्मूला है। तो इसको और तोड़ो, 27 q³, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 q² 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 q
क्यू प्लस वन, इसको 9n प्लस वन के फॉर्म में लिख सकते हो, यस 9 कॉमन ले लो, देखो बाकी सब चीज आ जाएगा, 3q³ 3q² 3q+1, तो ये आ गया 9n प्लस वन के फॉर्म में, वेयर m² इज इक्वल टू जो लिखना है आप लिख दोगे सिंपली। इसी तरह इसको भी करोगे, ठीक इसको भी करोगे तो क्या होगा 3q+2 का होल क्यूब, इसको भी अब इस तरह से करोगे तो इसमें भी इसी तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे करो फॉर्मूला लगाओ, 3a² + 3ab² + 3ab² + b³, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, देखो पता कर रही हूं मैं, 27 q³ 3 3 9 9 3 27 27 2 54 27 2 54 q² 3 3 9 9 4 36 q+8 हो गया, देखो तो ये हो जाएगा हमारा 9m+8 के फॉर्म में, ठीक है 9 कॉमन ले लोगे आ जाएगा यहाँ पे पूरा प्लस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9m+8 के फॉर्म में, लास्ट लाइन आप आंसर लिख देना। क्लियर हुआ पूरा एक्सरसाइज, वेरी गुड। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।